Hello students, how are you? I hope you all are superb and enjoying your lessons. Today, we are going to start a new topic from grammar and the topic is noun. Kids, look at this picture carefully. क्या आप मुझे बता सकते हो इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? Let's speak one by one. A boy, girl, grandfather, a cat, dog, table, lamp, toys, water bottle, diary, etc. Wow, you have identified the things very well. Now, I am going to ask some questions. You have to answer in yes or no. Question number one, is this a ball? No. So what is this? This is a button. Next, is she a doctor? Yes. Next, is this a cow? No. So what is this? Yes, this is a buffalo. पर आपने ये पहचाना कैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में पिक्चर बॉल की नहीं बटन की है और लास्ट सेंटेंस में काउ की नहीं बफेलो की है? क्योंकि दोनों के नेम्स डिफरेंट हैं. स्टूडेंट्स, एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ नेम जिससे हम उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं. देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड अस, ऑल ऑफ देम हैव नेम. लुक एट दिस पिक्चर. किंग, चाइल्ड, गर्ल, महात्मा गांधी, डॉक्टर, टीचर, एक्सेट्रा. ऑल एनिमल्स ऑल्सो हैव नेम्स लाइक कैमल, गोट, डियर, डक, पैरट, पीकॉक, एक्सेट्रा. सम प्लेसेस अराउंड अस आर शॉप, रेलवे स्टेशन, पार्क, स्कूल, city, hospital, etc. Things we see have name too. Mirror, cage, comb, chair, aeroplane, television, etc. So here we have seen some words name people. Like, मैं आपकी टीचर हूँ. मेरा नेम अनीता है. आप स्टूडेंट हो और आपका नेम भाव्या. हम पीपल हैं और हमारे नेम हैं नाउन. सम वर्ड्स नेम एनिमल्स. देयर आर सो मेनी एनिमल्स अराउंड अस लाइक डॉग, कैट, गोट, एक्सेट्रा. इनके भी नेम्स हैं, तो ये भी नाउन है. सम वर्ड्स नेम प्लेसेस. आप स्कूल में पढ़ते हो या बीमार होने पर हॉस्पिटल जाते हो, तो ये स्कूल एंड हॉस्पिटल प्लेसेस हैं और ये नाउन है. सम वर्ड्स नेम थिंग. आप घर पर पढ़ाई करते हैं तो बहुत सी चीजें यूज करते हो, लाइक बुक्स, पेंसिल, इरेजर, एक्सेट्रा. ये सारी चीजें थिंग्स में आती हैं, सो थिंग्स आर नाउन. बाय दिस वी कैन इजिली गेट द डेफिनेशन ऑफ नाउन. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं जिनके नेम्स हैं, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, प्लेस या थिंग, वो नाउन है. सो वी कैन से ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन. आई होप स्टूडेंट्स टुडे यू हैव गेट क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन. लेट्स डू सम एक्सरसाइज टू चेक हाउ मच यू अंडरस्टूड नाउन. In each group, color the box which does not have a noun. So see the words in the boxes A. Bed, cupboard, open, shelf. Check the word bed. क्या bed कोई person है, place, animal or thing? Yes, bed a thing है. So bed is noun. Like this. Cupboard. Cupboard is also a thing, so it is also noun. Let's check the next word. Open. Kya open person hai? No. Animal? No. Place?
नो थिंग नो इट मीन्स ये नाउन नहीं है. शेल्फ शेल्फ इज ऑल्सो अ थिंग. सो कलर द वर्ड ओपन विथ योर फेवरेट कलर. इसी तरह आप सेकेंड बॉक्सेस के वर्ड्स चेक करिए. विलेज इज अ प्लेस. कंट्री इज अ प्लेस. लार्ज इज नॉट अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग. टाउन इज प्लेस. सो कलर द वर्ड लार्ज. सी सूप इज अ थिंग. ईट इज नॉट अ थिंग. बिस्किट इज अ थिंग. सैंडविच इज अ थिंग. सो कलर द वर्ड ईट. डी पीपल इज द नेम ऑफ अ ट्री. पाम इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ ट्री. ओक इज ऑल्सो नेम ऑफ अ ट्री. ग्रो इज नॉट नेम ऑफ एनीथिंग. सो कलर द वर्ड ग्रो. ई चॉकलेट. चॉकलेट इज अ थिंग. मिल्क शेक इज ऑल्सो अ थिंग. टेस्टी इज नॉट अ थिंग. जूस इज अ थिंग. सो कलर द वर्ड टेस्टी. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एड वन मोर नाउन टू ईच ग्रुप. ए ईगल पैरट स्पैरो. दीज आर बर्ड्स. एड वन मोर बर्ड इन द ब्लैंक. क्रो. बी पुलिसमैन पायलट ड्राइवर. दीज आर पीपल. सो एड वन मोर पीपल. टीचर. सी House, zoo, hospital. These are place. Add one more place. School. D. Horse, monkey, elephant. These are name of animals. So add one more animal. Tiger. E. Chair, bed, sofa. These are things. Add one more thing. Table. You can add things according to your choice also. Today, we have learned noun and its definition. Now, it's practice time. Question number 1. Write the noun in the correct circles. Question number 2. Underline the nouns in these sentences. A. The cat is sleeping. B. The flowers are beautiful. C. Apples are delicious. D. The children are playing. So kids, that's it for today. Again we will meet in the next video. Thank you. Bye.